सिख कौम सूरमिया ते बहादरां दी कौम है। सिख इतिहास दा हर पन्ना कुर्बानियां ते हौसलियां दीआं मिसालां नाल भरिया पिया है। सिख कौम दे योधियां ने जो बेमिसाल कारज कीते हन, उन्हां ने सिखां दा हमेशा ही फकर अते माण नाल पूरे संसार विच सिर उच्चा कीता है। सिख कौम दे ऐसे ही इक योधे अते आगू सन नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया। सत श्री अकाल, मैं तरनजीत कौर अजीत वैब टीवी ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम पंजाब दे हीरे। जस्सा सिंह आलूवालिया का जन्म लाहौर के पिंड आहलू 3 मई 1718 नूं होया सी। जदों 4 साल के सन तो उन्हां दे पिता सरदार बदर सिंह की मौत हो गई, जिस तों बाद वह अपनी माता जी जीवन कौर दे नाल दिल्ली आ गए। उन्हां दा बचपन दिल्ली विच माता सुंदरी जी दे कोल बतीत होया। इस तों बाद 17 साल की उम्र विच वह वापस पंजाब आ गए। पंजाब विच उन्हां दी मुलाकात नवाब कपूर सिंह नाल होई। नवाब कपूर सिंह उन्हां दी कीर्तन कला तो बहुत प्रभावित होए अते उन्हां नूं अपने कोल रख लिया। उत्थे रहिंदे होए उन्हां ने शस्त्र विद्या अते घोड़सवारी की सिखलाई ली। युद्ध कला विच वह इन्ने निपुण सन कि नवाब कपूर सिंह ने उन्हां तों प्रभावित हो के 1748 विच उन्हां नूं अपना उत्तराधिकारी थाप दिता। 1753 विच नवाब कपूर सिंह की मौत तो बाद 1754 विच उन्हां नूं नवाब की उपाधि दिती गई। इत्थों ही नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की अते जल्दी ही उन्हां दी गिणती प्रमुख सिख आगुआं विच होण लगी। 1745 तक सिखां नूं 65 जथियां विच वंडिया गया सी। इन्हां सारे जथियां दा नवाब कपूर सिंह ने पुनर्गठन करके इन्हां नूं 11 जथियां विच वंड दिता सी। हर जथे का एक अपना अलग नाम, आगू, झंडा अते नाम हुंदा सी, जिसनों बाद विच मिसलां दा नाम दिता गया। इस तरह इन्हां 11 मिसलां दे 61 नूं दल खालसा दा नाम दिता गया। जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सिखां दे दल खालसा दा कमांडर नियुक्त किया गया। दिल्ली का लाल किला मुगलों की शानो शौकत अते भारत उत्ते उन्हां दे लंबे राज दा प्रतीक मनिया जाता है। जिसने दिल्ली के लाल किले ते कब्जा किया उसनों पूरे भारत का बादशाह मनिया गया। अंग्रेजा के भारत उत्ते पूरी तरह कब्जा करन तो पहला लाल किले ते ज़्यादातर मुगलों का ही अधिकार रहा। पर इतिहास विच एक समा ऐसा भी आया जदों सिखां ने लाल किले नूं अपने कब्जे विच लै लिया सी। उस समय दे मुगल बादशाह शाह आलम नूं सिखां ने धूड़ चटा दित्ती सी। उस समय सिख सेना दी कमान बाबा बघेल सिंह संभाल रहे सन अते उन्हां दा साथ जस्सा सिंह आलूवालिया ते जस्सा सिंह रामगढ़िया दे रहे सन। जस्सा सिंह आलूवालिया ने इस लड़ाई विच अहम भूमिका निभाई। लाल किला जितन तो बाद सिखां ने इस नूं वापस शाह आलम नूं सौंप दिता सी अते इस दे इवजाने वजों सिखां ने जिथे सिख गुरुआं नूं शहीद किया गया सी उत्थे गुरद्वारा साहिब स्थापित करन दी मंग रखी। इस मंग नूं मंदे होए दिल्ली विच शाह आलम ने 7 गुरद्वारियां दा निर्माण करवाया। 1761 विच जदों सिखां ने लाहौर ते कब्जा कर लिया उस समय जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सुल्तान उल कौम भाव किंग ऑफ द नेशन दा खिताब दिता गया। जस्सा सिंह आलूवालिया ने पानीपत के तीजे युद्ध तो बाद अब्दाली द्वारा कैद कीतियां गईयां 2200 हिंदू औरतां नूं छुड़ा के उन्हां नूं सही सलामत उन्हां दे घरां तक भी पहुंचाया सी। लाहौर उत्ते कब्जे अते अहमद शाह अब्दाली दे जनरल दी हार दी गल अफगानिस्तान तक पहुंच गई सी, जिस करके अहमद शाह अब्दाली गुस्से नाल भर गया। उसने पंजाब उत्ते हमला कर दिता। पंजाब उत्ते अफगाना दा 6वां हमला सी, जिस विच सिखां दा भारी नुकसान होया। इस हमले तो बाद अब्दाली ने सोचा कि हुण सिख कदे भी उस अगे सिर नहीं चुकणगे, पर सिख कौम कदे भी हौसला नहीं हारदी। सिख पहलां नालों भी वध चढ़दी कला विच उभर के आए। सिखां दीआं गतिविधियां ने अब्दाली नूं फिर गुस्से नाल भर दिता। अब्दाली ने सिखां नूं मिटाउण लई एक बार फिर अपने अफगान सैनिकां नाल अमृतसर उपर चढ़ाई की। इस वार नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया की अगवाई विच अहमद शाह अब्दाली नूं सिखां ने मैदानी जंग विच धूड़ चटा दिती। सिखां ने वड्डी गिणती विच अफगान सैनिकां नूं कैदी बना लिया।
इस युद्ध विच अब्दाली हारन तो बाद बच के वापस भज गया। जसा सिंह आलूवालिया ने कैदी बनाए अफगान सैनिकां नूं कुछ समय बाद आजाद कर दिता। इस तो बाद भी नवाब जसा सिंह आलूवालिया ने अब्दाली नाल कई लड़ाइयां लड़ियां। नवाब जसा सिंह आलूवालिया जी दे सन्मान विच नवाब जसा सिंह आलूवालिया सरकारी कॉलेज कपूरथला स्थापित किया गया अते भारत सरकार ने 4 अप्रैल 1985 नूं डाक टिकट जारी की। 22 अक्तूबर 1783 नूं इस सिख कौम दे महान आगू अते योधे अमृतसर दे बंडाला विखे अकाल चलाना कर गए। अगली बार फिर मिलांगे किसी होर नायाब हीरे दे नाल। हुण मैनूं तरन नूं दे दिओ इजाजत ते तुसीं देखते रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।